आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं जिनका विज्ञान या वैज्ञानिक आदिकाल से कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे है? कहीं बोले भूर बोले कि छठ बोले भूर पड़ेगी फुल्ली पड़ेगी थी। अरे बाबा बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत, बिल्कुल ठीक हो जाओगे बाबा, जितनी रोशनी बढ़ सकती है। साल से क्या धुंधला दिखने लग गया था? हाँ सर, दोनों आंख से या एक ही आंख? दोनों आंख से। हाँ दोनों आंख से। दोनों आंख से। हाँ सर। फिर इलाज अरविंदो हॉस्पिटल गए थे ना? अरविंदो हॉस्पिटल। हाँ ऑपरेशन होगा, साफ कर दो ऑपरेशन। हाँ ऑपरेशन होने के बाद में मेरे को तो कोई वो धुंधला धुंधला दिख रहा था, वो भी बंद हो गया। दिख रहा था वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया। अच्छा, ये मुझे याद नहीं है सर, कितने साल से? कितने साल हो गए दादा इनकी आँख खराब? 7 साल का था जब गई। 7 साल की उम्र में तो दोनों एक साथ ही खराब हो गई थी? दोनों एक साथ खराब। हाँ दोनों एक साथ खराब। तो उस समय आप किसी को दिखाने नहीं गए क्या? मैटपुर के बाद फिर इसको बताया था उज्जैन कोठालकर साहब। फिर उन्होंने बताया, बोले कि ये यहाँ अच्छी नहीं होगा। हाँ और कहीं ले जाओ। तो फिर किस ले गया था सर? अहमदाबाद ले गए। पीएन नागपाल के पास। नागपाल साहब ने क्या बोला? नागपाल साहब ने बोला था कि अभी मोतियाबिंद ये पुतली के पीछे है। हाँ मतलब 10-12 साल लगेंगे तब ये बाहर आएगा। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन होगा। कहाँ का इलाज कराया था बेटा तुमने पहले? सर मैं मतलब मक्सी नीमच और यहाँ से गुजरात में गया था, हिलोल बड़ौदा अहमदाबाद। अहमदाबाद में किसको दिखाया था? अहमदाबाद डॉक्टर पीएन नागपाल को, रेंटिना हाउस में सर। अच्छा, तो क्या कहा उनने? उन्होंने कहा कि मैं इस ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ और गारंटी भी नहीं ले सकता हूँ, मतलब यह तेरी आंख कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, दुनिया में कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर है? मैं नहीं कर सकता हूँ तो कोई भी नहीं कर पाएगा सर। अच्छा, ये कही थी। और उसके बाद में सूरत गया था मैं। सूरत में क्या कहा? सूरत में कहा था, यही कहा था कि किसी का ऑपरेशन नहीं हो सकता है, किस आँख का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और रोशनी मतलब आ सकती, दूसरी आंख हम बिठा सकते हैं, दूसरी आंख और गारंटी थी उसकी, दिख जाएगा। गारंटी नहीं थी मतलब दिखाने की गारंटी थी, ये गारंटी नहीं थी कि कब तक दिखेगा, ये गारंटी नहीं ले रहे थे। हाँ। अच्छा, और नौशारी गया था मैं। उनने क्या कहा? नौशारी वालों ने साफ इनकार कर दिया कि इसका इलाज भी मत करवाना, जब तक दिख रहा है अच्छा है जो भी दिख रहा है। हाँ। उसके बाद में कोई ऑपरेशन करे तो करवा लेना, छेड़छाड़ कुछ भी मत करना। छेड़छाड़ करोगे तो क्या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी के। अच्छा। अगर ऑपरेशन करे तो मत करवाना, इलाज कोई करे तो करवा लेना, हम नहीं कर सकते इलाज। अच्छा, वो इलाज भी नहीं कर सकते जी सर। अच्छा, इसके अलावा मतलब तो चली जाए, गारंटी नहीं ले, हम दूसरी आंख बिठाने का बोला हूँ डॉक्टर, दूसरी आंख बिठाने का बोला। हाँ अहमदाबाद पीएन नागपाल ने बोला नहीं हो सकती, ये ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए। आप ठीक हो जाए चाहते हो? हैं बराबर इलाज करोगे? करेंगे। हैं इलाज नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास। बोल क्या है? विश्वास से आया है ना? हाँ जी है। आपको विश्वास आपका बच्चा ठीक होगा? हाँ ये तो आपके हाथ में है। नहीं मेरे हाथ ठीक नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा, मैं गारंटी कुछ नहीं देता हूँ, तो किसी मनक की कोई गारंटी नहीं। आपकी इच्छा हो 100 बार हो तो आप इलाज कराइए, नहीं है मत कराइए, ठीक है ना? आप पे हम पे विश्वास है। हम आपको अभी वीडियो भी दिखाए कि जिसको रोशनी साफ हुई, दिखाए आपको वीडियो? क्यों अभी दिखाई थी ना बाबू जी को? तो आप उनकी साफ हुई तो मेरी तो भी मतलब होगी। आपको सिर्फ आधे फिट से यहाँ से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ नहीं दिखता, ठीक। अब 1 फुट से आप गिनने लगे तो किससे दवाई से आप ठीक? उनको दे बेटा, जो बदलेगी मतलब आँख बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगी किसी मृत्यु के साथ ऊंची आँख लगेगी। अच्छा, अभी तो कुछ करो। हाँ फिर दवाई लिख दी मुझे, चलो तो मैं आँख को अंदर लाल होगी। दवा डालने से वो परेशानी बढ़ गई। उज्जैन आया जी, तो उज्जैन आया ऑप्शन किया आपके जिस आँख में जो मोतियाबिंद हो रहा है, तो इसका तो अभी नहीं करूँगा मैं, बाद में देखा। सर एक आँख का ऑपरेशन
ऑपरेशन करा उसके बाद आपको क्या एकाद अक्षर दिखा, चश्मे से भी नहीं पढ़ सकते थे, है ना, चश्मे से आप दूर के हरूप भी नहीं बता पाते थे। उसके बाद में चश्मा दिया नंबर का जी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी घट गई कि समझ लो आपके 20 वर्ष से रोशनी घटती चली गई। कुछ इस तरह से कम होती जाती है आंखों की सफेदी धीरे धीरे, और इंसान की आंखों में हम बिना ऑपरेशन करे पुनः उजाले ले आते हैं, जो कभी इस सफेदी ने छीन लिए थे इनकी आंखों से। वो क्या ना, इसमें जैन साहब डॉक्टर साहब में आया तो वो जो इन्होंने दवाई दी मुझे, तो मुझे कुछ के 1 मीटर 1.5 मीटर दिखता था। पहले आपको कितना दिखता था? 1 मीटर, 1.5 मीटर दिखता था, वो भी धुंधला धुंधला दिखता था। और मुश्किल चलने में आपको मुश्किलात आती थी? चलने में थोड़ा मतलब पकड़ना पड़ता था। हाँ, तो अन्या आने के बाद आपने दवाई दी, में डालने की भी, खाने की भी दी, तो 10 मीटर के करीब करीब मुझे। अब आपको चलने फिरने में किसी का सहारा तो नहीं लेना होता है? सहारा नहीं है, वो जो सीधी उठी पे पकड़ना पड़ता, बाकी वैसे बाकी नहीं चलना, आप आराम से चल फिर रहे हैं। दो चार ही दिखी रही, थोड़ा सा हाथ दूर करो। अब ठीक है, लग रहा है तुमको? पहले से काफी अच्छा लग रहा है सर, मतलब रात में घूम लेता हूँ मैं बिना टॉर्च से भी, बिना टॉर्च दिखने लग गया सर। और मतलब जैसे छाया में खड़ा रह के देखता हूँ तो दूर दूर के पेड़ पौधे भी दिखते हैं मेरे को बहुत क्लियर। पहले पहले ये नहीं दिखते थे पेड़ पौधे वगैरह, दूर के झाड़ वगैरह? ज्यादा दूर के नहीं दिखते थे सर। दूर से आती साइकिल गाड़ी वगैरह पहचान लेते हो? ज्यादा दूर से मतलब साइकिल वगैरह ये जितनी छोटी चीज होती है वो पास आके पहचान, मतलब ट्रक है ट्रैक्टर है ये बहुत दूर से दिख जाते हैं। पहले दिखते थे तुमको ये? पहले इतने दूर से नहीं दिखते थे सर। उज्जैनी में तो चिकित्सालय में इलाज कराने के बाद कैसा महसूस हो रहा है सर? मतलब बहुत 25% फर्क पड़ चुका है। 25% फर्क पड़ गया। मैं क्या करने की भी सोच ली थी, मतलब ट्रेन में से कूदने लग गया, मैं ऐसी इच्छा हो रही थी कि कूद जाऊँ इस ट्रेन से। मैं ट्रेन से कूदने की इच्छा हो रही थी, जीजा ने और एक पुलिस वाले ने कहा कि खिड़की से उतर गया, उन्होंने अंदर ले लिया मेरे को। जीजा और पुलिस वाले ने पकड़ लिया था? जी सर। तो गेट पे पहुँच गए थे? गेट पे ही खड़ा था मैं, मतलब सोच रहा था मैं कूद ही जाऊँ बस, तो इतने में उन लोगों ने पकड़ लिया मेरे को कि तू अंदर आ जा के गिर जाएगा क्यों करके पकड़ लिया। अच्छा, तो अंदर अच्छा करी और यहाँ पे आपको अब फायदा होने लग गया। अब कभी जिंदगी में सोचोगे ऐसा? नहीं सोचूंगा। आपको क्या उजियारा आ गया? आ गया। हाँ, अब आपके आपके जिंदगी का अंधकार कम होता लग रहा है आपको? जी सर। लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, मतलब बहुत फर्क पड़ चुका है। मैं रात में घूम भी तो सकता हूँ सर बिना टॉर्च के। अच्छा, रात को भी घूम सकते हो, दिन में भी तकलीफ कम हो गई है। बधाई हो आपको, पर अब जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचना, है ना, जब तक सांस है जब तक आस है, और आप अपने घर के इकलौते चिराग हो, है ना, और आपके बच्चे भी हैं, अब आपको उनको देखना है, है ना, नहीं है, बच्चे नहीं है तो हो जाएंगे। शादी नहीं हुई? शादी हो गई, मैसेज नहीं आ रही है सर। अच्छा अच्छा, आएगी आएगी, तुमको दिखेगा तो वो तुमको देख के आएगी। अरे बाबा बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत, मेरे को दिखने लगेगा अच्छा, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे बाबा, जितनी रोशनी बढ़ सकती है हम बढ़ाएंगे। सामने देखो, मंडलोई जी, आपकी आंख में सफेदी कब से आ गई है? ये सफेदी तो मेरे को वैसे पता चला 76 में, पर ये 76 के 3-4 साल पहले से ही है। 3-4 साल पहले से? कहाँ से आ रही है? इस तरफ से आ रही है। आप ऊपर से आ रही है? आप ये यहाँ से आ रही है? आप ये नीचे से आ रही है? आप इधर से आ रही है? इस साइड से आ रही है? अभी सामने से। अब आपकी लेफ्ट आंख बंद कर लीजिए, राइट नहीं लेफ्ट, लेफ्ट बंद करिए। अच्छा, ये आपके ऊपर आप उसको ढक तो दीजिए। हाँ, आप ढक दीजिए। इस आंख से कुछ दिखता है क्या? नहीं, इस आंख से कुछ ही नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा आप? नहीं, इसमें कुछ क्लियर लाइट कुछ भी नहीं, लाइट है इसमें। आप नहीं है? नहीं है। आप ये इतने बड़ा वाला कुछ भी नहीं है, अभी भी दो ही है। और आप अभी अभी जरा थोड़ा मेरे को
अभी बीच की दिखाई दे रही है तीनों उंगलियां आपकी, तीनों इस तरफ की आगे खुली है कि नहीं खुली है, बस ये जजमेंट नहीं। अच्छा, तीन उंगली दिख रही है आप। अभी भी यानी हाथ क्लियर दिखाई दे रहा है और ये बड़ी बड़ी उंगलियां दिखाई दे रही है, पूरे पांच उंगली दिख रही है आपको। हाँ, पांच उंगली दिखाई दे रही है, पर इधर की सब जजमेंट नहीं हो पा रहा है कि ये खुली है। आप सब अंदाज से बोल रहे हैं, आपको कुछ जजमेंट नहीं हो रहा है। ऊपर ये तीन महसूस हो रहा है आपको कि लाइव उंगली है बस, बाकी आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ये खाली ये बड़ी वाली दिखाई देती है आजू बाजू, ये जजमेंट नहीं हो पा रहा। दर्द हुआ था वहाँ पर बिरला ग्राम के हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे को तो ओपेसिटी है। अच्छा, तो यूँ तो उन्होंने बोला भाई इंदौर जाके दिखाओ, तो फिर वो ढांडा साहब को दिखाया था। तो उसी वक्त उन्होंने 75 में कॉर्निया चेंज करने वाली बात करा, पर उस सही साफ थी कि मैं रीडिंग राइटिंग फिलहाल पास कर ले रहा था, कर लेते थे, इसलिए मैंने उतना उसको इम्पोर्टेंस दिया नहीं। ठीक, और जब तक फिर टोटल अपने को ऐसा लगा कि अब अपना काम होना। कितने साल बाद आपको फिर ये लगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ? मैंने को फिर 87 में मैंने ऑपरेशन करवाया। 87 में रीडिंग राइटिंग सेल्फ जो कर लेते थे वो आपका कितने साल से बंद है? वो सेल्फ में तो ये 83 से बंद हो गया था मेरा। 83 से आप सेल्फ काम बंद हो जाते नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, रीडिंग राइटिंग वगैरह ना, टोटल रीडिंग राइटिंग आप टोटली नहीं कर पाते हैं। सामने स्क्रीन वगैरह पे कोई चीज देखना है या दूर, वो देखने में आपको दिक्कत होती होगी? हाँ, वो तो दिक्कत होती है ना, सामने कोई आ जा रहा है ऑफिस में, वो देखने में दिक्कत होती होगी, ऑपरेशन नहीं होता है ना। तो फिर आपने ये राइट आई का कोई ऑपरेशन कराया था क्या? राइट आई का ऑपरेशन के पहले इसकी ठीक करने के लिए कोई चर्चा करी क्या? नौसारी गया था। नौसारी में आपको फायदा हुआ? नहीं हुआ फायदा। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद गया दिल्ली आई रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दिल्ली में गए थे? एम्स में। हाँ, एम्स में गया था। तो वहाँ पे क्या बोला उन्होंने? वहाँ पर वो मेन डीन था, वो डीन को दिखाया तो उन्होंने भी बोला भी कॉर्निया ऑपरेट करना पड़ेगा, पर उन्होंने खुद नहीं मना कर दिया था। इंदौर में ढांडा सर से ऑपरेशन कराया था फर्स्ट, एक बार कॉर्निया चेंज कराया वो फेल हो गया, सेकंड बार फिर ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेट किया उन्होंने, वो फिर सक्सेस हुआ। हाँ, वो सक्सेस हुआ तो उससे दिखा सब करीब 6 महीने तक चला, पर वो कुछ इन्फेक्शन होने के कारण कॉर्निया वापस फिर सफेद हो गया। अच्छा, तो के बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करा उसको। 6 महीने बाद हुआ है आपको ये, है? उसके बाद आप कहाँ गए दिखाने? उसके बाद तो फिर मैं बॉम्बे गया था, डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो आपने बोला था बोले 80% में गारंटी लेता हूँ। हाँ, बोले पहले हैंड से करते थे, अब मशीन यू आ गया। मैंने नहीं भाई, 20% में फेल हो जाओगे तो मैं तो पूरी दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैंने बेचारी तय की। तो से गाड़ी अपनी ऐसी चली आ रही, इसी तरह से आप अपना काम चला रहे हैं। तो आज आपकी स्थिति ये है कि आप परछाइयां पहचानते हैं, कोई आया है? हाँ बस, है कि नहीं? तो मेल है फीमेल है उससे पहचानते हैं, साड़ी या सूट से? हाँ बस। ओके, गाय ढोर कोई आ जाए तो, कुत्ता आ जाए तो? नहीं, कुत्ते का जजमेंट नहीं होता, गाय ढोर का थोड़ा जजमेंट हो जाए, जब एकदम नजदीक आ जाए तब पता लगता है कि हाँ ये बाजू से गुजर रहा है। गाय ढोर कोई पास से निकला, कानों का उपयोग करके कि हाँ किसी तरह की आवाज नहीं आ रही है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा अपना जो नियम के तहत हाथ देकर क्या दौड़ जाए, क्रॉस कर लेते। अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिला के आप सर काम कानों से चढ़ाते हैं ना, लेडीज जेंट्स की आवाज पे सुन के आप पहचानते हो कि मेरा कौन सा रिश्तेदार आया है, है ना, मेरा बच्चा है या मेरा जीजा है या मेरी बहन है या मेरी पत्नी है, ये आप आवाज से ही पहचान पा रहे हैं, है कि नहीं? ओरिजिनली आप कुछ देख नहीं पा रहे, ओरिजिनली महसूस नहीं पा रहा है, खाली ब्लैक परछाइयां बनती है ना। तो एक मिनट, आप बाहर कोई वाहन वगैरह आपके आसपास से निकलते हैं उसमें दिक्कत होती होगी? वाहन में फिर अपन अपने थोड़ा, हाँ वाहन से अपने को जजमेंट हो जाता है कि इधर से मोटरसाइकिल जा रही, कार जा रही है, जा रही है, और यदि अपने को रोड क्रॉस करना रहता है तो फिर जब थोड़ा अपने कानों का उपयोग करके कि हाँ किसी तरह की आवाज नहीं आ रही है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा अपना जो नियम के तहत हाथ देकर क्या दौड़ जाए, क्रॉस कर ले। क्या परेशानी आई थी जब आप चल फिर रही थी, तो फिर आपने ऑपरेशन कराने? सब लोग ये बोलते थे कि जैसे अपन ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो जो अपनी रोशनी है वो भी चली जाएगी। नहीं, तो उस समय आपको दिखता था ना? दिखता, दिखता था, आपका काम चल रहा था, इतने साल चला, फिर अपने को ऑपरेशन का निर्णय किस डॉक्टर ने कहा कि आप ऑपरेशन करा लो? सभी डॉक्टर मैंने मतलब जन्म से अपने साइड यूपी में दिखाया था, इटावा में, जहाँ जिसको भी दिखाया था आखिरी में वो कहते ऑपरेशन कराओ, सभी डॉक्टर।